Hey guys, subscribe Jelly Dude channel and press the bell icon for the new video. हेलो गाइज, मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज हम बात करने वाले हैं जो मिली बग होता है। कई सारे लोगों ने लिखा था कि घर में जो भी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं उसमें मिली बग का अटैक हो जाता है और उनके जो प्लांट्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बताएं कि जिससे कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाए और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है मिर्च है और लहसुन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है और ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वो हम बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। मेरे साथ हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो बताएंगे कि इस इन सब का यूज़ करके कैसे मिलीबग को दूर भगाते हैं। 100% ये काम करता है, इन्होंने ये प्लांट्स पर यूज़ किया हुआ है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों नमस्कार, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास मिलते हैं कि हम कीट पतंग या आपके पास मिलीबग या एफेड इस टाइप की जो शिकायत है उससे कैसे छुटकारा मिले। चूँकि पॉल्यूशन है और आपके पास आपके छत पर बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बिल्कुल नेचुरल वे में आप उगा रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही आसान आश्रय हो जाता है। आइए समझते हैं कि इस नेचर को कि हम कहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास सॉफ्ट पौधे होंगे उस उन पौधों में बिल्कुल बहुत जल्दी, और यदि आपने थोड़ा मॉइस्चर रखा है इस पौधों में तो उसमें बहुत जल्दी वो अटैक करते हैं और इसमें आके वो चिपक जाते हैं। मिलीबग और एफेड दोनों उस टाइप की आएगी और इस पर चिपक जाती है। अच्छा। सीजन अलग अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है। अच्छा। तो जब भी आप देखेंगे कि अभी जैसे गेहूँ की कटाई हो गई है तो वहाँ पर कुछ नहीं है, तो नहीं है तो वो सारे पौधे सारे जो मिलीबग है या एफेड है वो आपके छत तक शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस समय प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि हमारी बात चलती है किचन और टेरेस को कनेक्ट करने की। आपके घर में ये हमारे पास लहसुन है, आपके घर में भी है जी। आप इस लहसुन को बिल्कुल संभाल के रखिए और बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए। और ये आपके पास हरी मिर्च है, हरी मिर्च जितनी ज़्यादा तीखी होगी वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। ध्यान रखें कि आप तीखी हरी मिर्च की ओर जाएं, उस पर रुक करें और इन दोनों का आप मिश्रण बनाइए। जहाँ तक मैं बात करूँगा लहसुन की तो आप मात्रा नोट कर सकते हैं। अच्छा, 25 ग्राम लहसुन लीजिए। 25 ग्राम लहसुन लेना है जी। अच्छा ठीक है। और आप 25 ग्राम ये हरी मिर्च लीजिए। 25 ग्राम हरी मिर्च लगभग कितने हो जाते हैं, 2-3-4 हो जाएंगे? नहीं, 25 ग्राम मान के चलिए, एक मुट्ठी ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है। कितने मिट्टी के लिए? इसमें अभी एप्लीकेशन बताऊंगा, आप उस रिजल्ट रेशियो में आप नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं अपनी मात्रा को। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बात हाँ, करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। दोनों को आपने लिया, इसको अच्छे से मिलाइए और इसको मिक्सी में पीस दीजिए। अच्छा, पेस्ट बना दें? हाँ, इसको पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बना के आप इसका कपड़छन कर लीजिए। कपड़छन मतलब एक मलमल का कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में ये पूरा रस दोनों का जो मिक्सन है मिक्स करके उसको डाल दीजिए। रस निचोड़ लीजिए। अच्छा हाँ, इस रस को निचोड़ के आप ये देखिए, इस रस को निचोड़ के इस टाइप से कर लीजिए। ठीक है। और इसमें आप मिलाइए, यदि आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल मिलाइए। अच्छा। यदि नीम ऑयल नहीं है तो बहुत जरूरत नहीं है कि आप मार्केट जाए। ओके ठीक है। आपके पास ये नारियल तेल है? नारियल तेल है। ठीक है, जब तक नीम ऑयल नहीं आपके पास हो तब तक आप नारियल तेल से काम चलाइए और ये नारियल तेल आप मिलाइए इस मिश्रण में। आप नारियल तेल मिलाइए। आपने निकाल लिया है मिलीबग को भगाने के लिए। हाँ। इन दोनों का मिश्रण इसमें डाला हुआ है जी। अब हम डाल नारियल तेल, हम मिलाते हैं इसमें 2 चम्मच नारियल तेल। 2 चम्मच ये नारियल तेल हमने मिला दिया है। ठीक है। इसके बाद इसको आप मिला दीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर देंगे और अब इस मिक्स को आप सबसे पहले तो जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं मिलीबग का अटैक हुआ पड़ा है। हाँ। इस पौधे में नहीं है, है। ये अपने आप में दमनक है दमनक और ये मच्छर भगाने का पौधा है। अच्छा। हाँ, इस पौधे की खासियत ये है कि इसके आसपास यदि किसी भी तरह का इंसेक्ट आ रहा है तो ये थोड़ा उससे दूर भागता है। खास करके मच्छर वाली जो प्रजाति है वो इससे दूर भागती है। यदि इसके बावजूद भी मच्छर इस पूरे पौधे के टच में आता है तो वो अपनी ब्रीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसकी जो जनसंख्या है वो वहाँ रुकती है। इस पौधे की खासियत यह है कि ये मच्छर की ब्रीडिंग को रोकता है। साथ में यदि आप प्रिवेंशन करते हैं, यदि जैसे अभी टाइम आएगा बारिश का तो आप यदि इस पत्ती को कट करके खाते हैं तो ये आपके शरीर में मच्छर जनित जो भी बीमारी है
उसके बचाव में काम आता है। अच्छा, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इससे पहले का जो सीजन है आप नियमित इसको यूज़ कीजिए, हफ्ता 10 दिन, आपके शरीर में रोग रोधी क्षमता बढ़ जाती है। और इसके बाद भी यदि किसी को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हुआ रहा है तो भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये तो बहुत अच्छा, हाँ इसका, हाँ ये बहुत अच्छा फर्न है, देखने में भी अच्छा लगता है और शानदार है। तो इसमें इसमें भी अटैक होती है। अच्छा। हाँ, कभी कभी क्या है कि इसके पोर पोर में वो मिलीबग का अटैक होता है, तो हमने इस पर एप्लीकेशन लिया था। अच्छा। और हमने आप देखेंगे इसमें कुछ भी अटैक अभी नहीं है, नहीं है। तो इसमें हमने यूज़ करके देखा हुआ है, साथ में सरसों में भी आता है, तो ये सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग आती है। ठीक है, आप ध्यान रखें, यदि उस टाइप की कुछ चीज़ें आ रही है तो आप उनको इस तरह का बना के, और ये 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में, हाँ 10 ml ये पूरा पेस्ट को डालना है, 10 ml डालना, हाँ ये पूरा जो बना है ये लुब्रिकेशन है। हाँ। ये ऑयल जैसा बन गया है आपका, इसमें है लहसुन, इसमें है मिर्च और इसमें है नारियल तेल, नारियल तेल। हमने इन दोनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, कपड़े से छान लिया, उसका रस निकाल लिया। हाँ। रस निकालने के बाद जो आपको गूदा बचा, हाँ, उस गूदे को मिट्टी में मिला दीजिए आप। अच्छा। उसको भी नहीं फेंकना है, ठीक है। और बाकी जो रस मिला उसको, हाँ, किसी इस तरह के कंटेनर में रख लीजिए। क्या बात है, हाँ है ना। हाँ। जब आपको जरूरत लगे कि हाँ जरूरत है, तो नीम ऑयल ले आइए। हाँ। यदि नीम ऑयल भी नहीं है, हाँ, तो आप नारियल तेल का यूज कीजिए। अच्छा, नीम ऑयल हो तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ, तो पैराशूट का तेल भी हम यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का नारियल तेल आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो है वो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जब भी आप ये एप्लीकेशन करेंगे तो आपके मिट्टी में 20% तक का मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। जब आप मिट्टी लें तो आप देखें कि ऐसे आपने किया है तो ये एक लड्डू सा बन गया। अच्छा, ये मॉइस्चर होना जरूरी है। यदि आपका ये मॉइस्चर नहीं है, हाँ, तो पूरे पौधे को ये सुखा देगा। कारण क्या है कि इसे बहुत तेजी से प्यास लगेगी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ये लगेगी प्यास। हाँ। इसके बहुत तेजी से प्यास लगेगी पौधों को भी, क्योंकि हमने जो मिश्रण डाला है वो तेज है। जैसे हम इंसान है, हम मिर्च खाएंगे, हम यदि ये लहसुन खाएंगे तो हमें थोड़ा तीखापन लगेगा, तो इनको भी वैसे ही फील होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उस पानी का मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा है, तो वो वहां से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और अब इसको यूज करना, 1 लीटर में 10 ml आप ये डालिए। 10 ml मापने का तरीका अलग अलग आपके पास हो सकता है, हम 2 चम्मच डाल सकते हैं। ऐसे करके हमने लिया और बिल्कुल अच्छे से उसको सेक कर दिया, किसी अपने जार में अच्छे से हिला दिया ऐसे करके। हिलाने के बाद हम इसमें यदि फॉलियर स्प्रे करते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके पहले आपको एक और चीज करना है, जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड एरिया में मिली बग लगी हुई है, हाँ, आप उसको सिंपल पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लीजिए, स्प्रे मार दीजिए, बहुत अच्छे से धो लीजिए, एक एक जगह से वो व्हाइट कलर का जो आ रहा है वो सारा निकाल दीजिए। और जो यहाँ उसका पानी बचेगा, इस पानी को किसी अच्छे से गमले में डाल दीजिए। हाँ। और वो पानी को आपको कहीं दूर, या उस पानी को आपको डिस्पोज ऑफ कर देना है, जिससे कि उसका इन्फेक्शन और पौधों में ना फैले, तो आप अपने छत से दूर ले जाइए। जी, मिलीबग का मतलब कि जनरली करता है क्या प्लांट को, अगर मैं बात करूँ तो? इसमें वो इससे रस चूस लेता है। अच्छा। जो इस पौधे की ताकत है, मिलीबग वो सारा रस चूस लेता है। अच्छा। तो वो परजीवी है, तो वो यहाँ से रस चूस के अपने आप को जिंदा रखता है। तो अगर मेरे घर पे एक प्लांट पे अगर लग गया है, तो ऐसा होता है कि दूसरे प्लांट पे भी? हाँ, जो सॉफ्ट टारगेट प्लांट होगा वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए जो ताकतवर प्लांट है वो वहाँ नहीं जाएगा। अच्छा। ठीक है, खास करके जो इस टाइप की पत्तीदार पौधे होंगे उसमें मिलीबग का अटैक होता है, क्योंकि उनको यहाँ पर जगह मिल जाता है रहने का, बैठने का। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडोर प्लांट पे ज्यादा अटैक होता है या आउटडोर प्लांट पे ज्यादा अटैक होता है? सीजन के अकॉर्डिंग है, इंडोर प्लांट में थोड़ा कम होता है, क्योंकि हाँ कम होता है। हाँ। लेकिन आपका यदि इन्फेक्शन है इंडोर प्लांट में भी वहाँ, या आपने कहीं ऐसे जगह से वो लेके आए हैं, हाँ, तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ भी हो जाए। वहाँ भी हो सकता। हाँ, लेकिन कम होता है, आउटडोर में ज्यादा होता है। और खास करके अभी ह्यूमिड का जब टाइम आएगा या एक चेंज होने का टाइम आता है, हाँ, तो उस समय ये अटैक ज्यादा होता है। मैं तीसरा सवाल कि अगर इसका जो प्रयोग करते हैं तो वो किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं? हाँ, हमने आउटडोर में सारे प्लांट पे कर देखा है। हाँ। सब्जियों पे भी देखा है, सरसों पे भी लिया है। हाँ। और भी किसी भी तरह का कोई प्लांट है, मिर्च में भी, इवन की मिर्च में भी यदि आ रहा है तो आप वहाँ भी कीजिए, या इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का यदि आपका आ रहा है, हाँ, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, करते क्यों है, इस पर मैं थोड़ा सा जाता हूँ आपको। ये एक लुब्रिकेशन बनाता है, ठीक है, ये जब यहाँ पर डल जाता है ना ये, तो एक यहाँ पर चिकनाई बन जाती है। Okay. तो इस चिकनाई के वजह से यहाँ पर मिलीबग चिपक नहीं पाता है। oh, oh, oh. तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इस पर एक चिकनाई डालें, एक और एंटी इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया हमने, कोटिंग कर देते हैं प्लांट। यस, हमने एक कोटिंग भी किया है। हाँ। साथ में एंटी इन्वायरमेंट है। हाँ। एंटी इन्वायरमेंट ये है कि मिर्च,
और लहसुन अपने आप में तेज होता है, ठीक है, तो उनको ऐसा फील होता है कि हमारे लायक यहाँ वातावरण नहीं है, तो उससे वो दूर भागता है। साथ में यदि वो चिपकने भी कोई कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर उसके लिए लुब्रिकेशन है, यहाँ पर वो तरल पदार्थ है जो कि वहाँ चिपकने नहीं देता है, उसको स्लिप करते रहता है। तो ये दोनों चीजें आप जब करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको और जानकारी दूंगा। और आप वीडियो देख रहे हैं दिल्ली ड्यूट चैनल पर, और दिल्ली ड्यूट चैनल को कम से कम अपने एक मित्रों तक जरूर भेजिए, क्योंकि मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत स्पेशल। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण मिश्रा जी, थैंक यू सो मच गाइज। अगर इनका जो फोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उनको कॉल कर सकते हैं सजेशंस के लिए। ये बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली एनसीआर में, अगर कोई आप इनका जो इवेंट वगैरह कैंपेन अगर आप चाहते हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच आप सभी।